तो रिसेंटली मैं सोच रहा था कि मैंने अपने YouTube चैनल पे कुछ भी अपलोड नहीं किया है, तो मैं एक रिएक्शन वीडियो क्रिएट करके अपलोड कर दूं। बट 10 तारीख को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा मैं अपने परमानेंट 3 व्यूअर्स के लिए ये वीडियो बनाऊं जिनमें से 2 मैं ही हूं। Let's go! तो कुछ ही मिनटों के अंदर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं इंस्टाग्राम के पास भी गया बट उन्होंने बोला सॉरी भाई नहीं हो सकता। तो मैं एज ऑलवेज एज अ सीरियस बैचलर स्टूडेंट की तरह मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। तो मुझे अचानक से एक डीएम आता है। मैं सोचा किसी बॉट ने मुझे वापस मैसेज किया, क्योंकि मुझे वीकली 10 से 12 ऐसे डीएम्स आते रहते हैं जिसके बारे में मुझे बोला जाता है कि सर मुझे आपको स्पॉन्सरशिप देना है, मुझे आपको चाहिए कि आप मेरे ब्रांड के एम्बेसडर बने, हम आपका फोटो लेके अपने प्रोडक्ट्स के साथ अपलोड करना चाहते हैं अपने इंस्टा पेज पे। लेकिन ये जो डीएम आया था मुझे लग रहा था कोई जेन्युइन बंदे का डीएम है, बट फिर भी एक वीक पहले मुझे सेम कोई बंदे ने कोशिश किया फिश करने की लड़की बन के, बट उसको इतना भी नहीं पता था कि मैं एक एक्सपीरियंस बंदा हूँ क्योंकि मैं करता हूँ स्टॉकिंग। तो मैंने कोशिश की रिसर्च करने की और मैंने उसके प्रोफाइल पिक्चर पे जूम इन करने की कोशिश की स्क्रीनशॉट लेने के बाद, बट उसका चेहरा अपने कैमरे से ढका हुआ था किसी निब्बी की तरह। मैंने उस फोटो को लिया, गूगल इमेजेस पे सर्च करने की कोशिश की और मुझे जाके पता चला कि वो कोई पिंटरेस्ट अकाउंट में पहले से अपलोडेड है। तो मुझे डायरेक्टली पता चल गया कि कोई फेक अकाउंट है, बट फॉर कंफर्मेशन मैंने उसके फॉलोअर्स के अंदर गया, फॉलोइंग के अंदर गया और जाके पता चला कि उसके अकाउंट के अंदर खाली बॉट्स भरे पड़े हैं और मैंने तुरंत उसको ब्लॉक किया और उस अकाउंट का रिपोर्ट कर दिया। लेकिन ये जो बंदा था मैंने इसको फॉलो किया क्योंकि इसका अकाउंट प्राइवेट था। फॉलो करने के बाद उसने कुछ ही घंटों बाद मुझे एक्सेप्ट किया। फिर जाके पता चला उसका अकाउंट एक्टिव था 4 to 5 years के लिए क्योंकि उसके अंदर पोस्ट थे बहुत सारे। तो बंदे ने हेल्प मांगने की कोशिश की तो तभी मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया। तो यहाँ से मैंने हगना शुरू किया। मैंने उस बंदे को पूछा कि उसको क्या चीज़ में हेल्प चाहिए, तो उस बंदे ने बोला मुझे कॉन्टेस्ट के अंदर हेल्प चाहिए और मुझे आपका वोट चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, कोई वोट देने में मुझे क्या कौन सा प्रॉब्लम होने वाला है। तो उस बंदे ने बोला आपको एक SMS आएगा फेसबुक अकाउंट के थ्रू जो कि आपके इंस्टा अकाउंट से लिंक्ड है। उस बंदे ने बोला कि आप उसका SS ले लो और मुझे भेज दो, तो मैं अपने स्पॉन्सर को भेज के आपका वोट ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। तो मैंने बोला मैं चेक करके बताता हूँ। बट मेरे दिमाग के अंदर क्लिक हुआ कि उस बंदे को मेरा नंबर कैसे पता है जिसकी वजह से वो SMS भेज पा रहा है। What? बट मैंने ये भी सोचा कि फेसबुक मैसेंजर मेरे अकाउंट इंस्टा अकाउंट और मेरे फोन नंबर से लिंक्ड है, तो शायद से फॉर सम व्हाट रीजन ही नोज दैट हाउ ही कैन सेंड मी अ SMS। तो मैंने उस SMS का स्क्रीनशॉट लिया और उस बंदे को भेज दिया। उस SMS के अंदर एक कोड था। उस बंदे ने बोला थैंक यू, आपका मुझे वोट मिल गया और ये मैं अपने स्पॉन्सर को भेज दूंगा वैलिडेट करने के लिए। चीकी बॉय। तो वो टाइम मैं सोच रहा था कि मैं शायद कोई मिस्टर बीस की वीडियो के अंदर तो नहीं, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। माय डिसअपॉइंटमेंट इज इमेजरेबल and my day is ruined. मैं फिर से एज अ बीकॉम स्टूडेंट अपने मेहनत पे लग गया और रील्स देखना चालू कर दिया। फिर मुझे एक रील आया, उसके अंदर लिखा था समथिंग गुड विल हैपन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट 2 hours। उसी समय एक मैसेज पॉपअप होता है मेरे स्क्रीन पे, आई हैव बीन लॉक्ड आउट। मैं हो गया कम्प्लीटली बैंक। मैं सोच रहा हूँ अभी क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम बग की वजह से शायद से ये हुआ होगा और मैं लॉग आउट हो गया रहेगा। तो मैंने सोचा कि वापस एक बार ट्राई करते हैं लॉगिन करने की। मैंने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला और बोला कि भाई आपके यूजर नेम पासवर्ड भी इनकरेक्ट है। फिर मैं टेंशन में आ गया। फिर मुझे याद आया भाई कि एक चीज और है। इंस्टाग्राम ने एक टाइम पे मुझे बोला था कि भाई 2-factor वेरिफिकेशन कर लेना, तो मुझे और एक ऑप्शन मिलता था 2-factor वेरिफिकेशन का, ऑथेंटिकेशन एप्स के बैकअप कोड डालने और मैं लॉगिन कर पाऊंगा। मैंने डाला, बैकअप कोड मेरे पुराने फोन के अंदर थे, मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट थे, तो मैंने उस स्क्रीनशॉट के अंदर से बैकअप कोड्स लिए और डाल दिया। वो बैकअप कोड्स भी काम नहीं कर रहे थे। मेरे पास खाली 2 options बचे हुए थे, फॉरगेट पासवर्ड करके अपना नया पासवर्ड क्रिएट करके लॉगिन करने का, बट जो कि मैं नहीं कर सकता था क्योंकि उस बंदे ने नंबर ही चेंज कर दिया था। और दूसरा ऑप्शन था इंस्टाग्राम सपोर्ट से हेल्प लेना। तो मैंने सोचा इंस्टाग्राम का ऑफिशियल इंस्टा ईमेल आईडी ढूंढूं और उधर से उनको मेल करूं। मैंने मेल भेजा और मुझे रिस्पॉन्ड आया उनकी तरफ से। तो इंस्टा सपोर्ट की तरफ से मुझे मैसेज आता है और बोलते है कि भाई आप अपना फोटो खींचिए और हमने आपको जो कोड भेजा है वो कोड को आप अपने पेपर पे लिख के उसका फोटो खींच के भेजिए। प्रोफाइल पिक का फोटो भेजता हूँ और जो कोड के साथ फोटो है सेम टू सेम वैसे ही फोटो खींच के भेज देता हूँ, उसके अंदर जितना डिटेल होता है मैं डाल देता हूँ। मैंने जो ईमेल भेजा स्टार्टिंग में वही सारी चीजें लिखी जो मैंने आपको बताई और मैंने आगे लिखा आई कांट एक्सेस माई अकाउंट एंड द पर्सन इज रैंडमली टेक्सटिंग माई फ्रेंड्स एंड ऑल्सो रीडिंग माई चैट्स एंड सीइंग चैट्स सीन इज बीइंग शोन व्हेन माई फ्रेंड्स आर मैसेजिंग मी, हेल्प मी गेट माई इंस्टाग्राम अकाउंट बैक एज द मैसेज फॉर वेरिफिकेशन विच वॉज
used was not understandable that it was sent by you guys from Instagram to just instantly log in into my account. I want my account ASAP. Because of privacy issue, I am giving below every possible information and for you to understand that it's my account and other information to username blah blah blah. और जो भी उस बंदे ने मतलब मेरा यूजर नेम था एक्स आर ए दिस है एक्स, उसने उसको खाली चेंज करके एक्स आर ए दिस है एक्स डॉट जीरो टू कर दिया। मैंने जितने भी इन्फॉर्मेशन थे सारी की सारी उनको भेज दी मैसेज का, और जो बंदे के अंडर वो बंदा काम करता है उसका भी, क्योंकि उस बंदे ने मेरे अकाउंट पे स्टोरी पे ये सारी चीजें अपलोड की थी एक बंदे के लिए जो खाली एक क्रिप्टो अकाउंट हैंडल करता है इंस्टाग्राम पे और क्रिप्टो करेंसी बेचने की कोशिश करता है और फेक पब्लिक क्रिएट करने की कोशिश करता है जो कि एक्चुअली बॉट्स लगते नहीं है, रियल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट उसको फॉलो कर दिया तो सबको लगेगा कि ये जेन्युइन बंदा है, मुझे भी इसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि एक मेरे दोस्त ने मुझे रिस्पॉन्ड करके बोला था, मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था मेरा अकाउंट वापस लाने का क्योंकि मैं पहली बार ऐसे कोई चीज में गिरा हूं जिसके अंदर मेरा अकाउंट ऐसे चल दिया है कि मैं वापस ला ही नहीं पा रहा, इंस्टाग्राम भी कुछ नहीं कर पा रहा। न्यू फेस फिल्टर्स ऑन इंस्टाग्राम टुडे, दिस इज माय फेवरेट वन सो फार, नाइस जॉब टीम। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा, और सबसे बड़ी गलती मैंने उस बंदे को स्क्रीनशॉट भेजी जो मुझे अब तक याद है ये मोमेंट मैं कैसे फील कर रहा था, जो कि वो 2 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। मैंने सोचा एक नया अकाउंट बनाया जाए, अपने सारे फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी फॉलो रिक्वेस्ट भेजूं, उनसे चैट करूं और इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऐसे अपलोड करूं जिन लोगों ने भी मुझे फॉलो कर दिया कि वो मेरा अकाउंट नहीं है, अभी वो अकाउंट हैक हो चुका है तो उसके वेट में ना आए। उसके चक्कर में 3-4 लोगों को मेरे दोस्तों को मैसेज गया था जिनको लगा कि मैं हेल्प मांग रहा हूं उन लोग से कोई चीज के लिए, और वो लोग ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचे क्योंकि मैंने उससे पहले उन लोगों को मैसेज कर दिया कि भाई वो मैं नहीं। जिंदगी सुकून भरी चालू हो गई थी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने वापस रीगेन तो नहीं किया बट मैं एक नया अकाउंट क्रिएट किया जो कि एक्चुअली सिमिलर था मेरे अकाउंट से क्योंकि सारे फॉलोअर्स वापस आ गए थे, सारे फॉलोइंग पेजेस को मैं वापस फॉलो कर चुका था। मेरा रील्स का सेक्शन थोड़ा सा बिगड़ गया था, पहले जैसा नहीं रहा बट टाइम टू टाइम वो चेंज हो गया और मैं अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जाने लगा। नई शुरुआत की अपने यूजर नेम के साथ एक्स Arya Desai X X. Oh, here we go again.